अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। देखिए आज हम बना रहे हैं चना दाल की पूरी। इसको हमने गला लिया था अच्छे से, इसमें शुगर ऐड कर लिया था और इलायची पाउडर डाल के इस वाली मशीन से इसको पीस लिया था फ्रेंड्स। देखिए अभी आटा भी लगा लिया है। चलिए अभी पूरियां बेल लेते हैं। देखिए ये है मेरी सासू माँ, ये बहुत अच्छी पूरियां बनाती है। अभी ये बनाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये लकड़ी वाला चूल्हा है, हम लोग गाँव आए हुए हैं, ये हमारे गांव का चूल्हा है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे बन रही है पूरी की कढ़ी। इसमें हमने थोड़ी सी चने की दाल उबाल करके और थोड़ा सा प्याज को फ्राई करके इसको पीस करके इसका पेस्ट बना लिया था फ्रेंड्स। फिर उसको मिला लिया था सारे मसालों के साथ में, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और इमली का खट्टा, थोड़ा सा ग्रीन इमली डाली थी फ्रेंड्स इसमें हम लोगों ने। और इसको लहसुन का तड़का ऐड कर रहे हैं हम लोग कढ़ी में। देखिए हमने अभी ऑयल में गार्लिक ऐड कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स कड़ी पत्ता ऐड कर दिया, कड़ी को तड़का लगा दिया है, ढक्कन लगा के रखना है फ्रेंड्स कड़ी ऐड करने के बाद। देखिए तड़का, देखिए सारी कड़ी अब हम इसमें तड़के में डाल देंगे। मजेदार कड़ी बन के रेडी हो गई है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमें अभी पेड़ा बना रहे हैं, एक लोई ले लिया था। देखिए इस टाइप से पेड़ा बनाना है। देखिए स्टेप से पेड़ा बना के हमें धीरे धीरे से बेलन फिरा के इसको बेल लेना है। देखिए स्टेप से पतला पतला बेल लेना है अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़ी पूरी बन के रेडी हुई है, पूरा तवा भर गया है। देखिए हमारी पूरी कितने अच्छे से फूल गई है। अभी ऑयल लगा देते हैं ऊपर। देखिए हमारी पूरी किस टाइप से।